हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है नाम बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल वो है, दिस इज हाउ ऑस्ट्रिया वेलकम पीएम मोदी। मोदी जी वहां चले गए अचानक से। वेलकम विद वंदे मातरम, वंदे मातरम के साथ वेलकम किया ऑस्ट्रिया ने। क्या हुआ है, सारी मुलाकात चुलाकात सब कुछ इसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। देखते हैं भाई ऑस्ट्रिया चले गए मोदी जी। बोला था ना रशिया के बाद उधर जाएंगे। चेक करो वेलकम भाई ऑस्ट्रिया का, ये अलग एक अंदाज में वेलकम किया। इस तरह का मैं वेलकम पहली बार ले। वंदे मातरम। इन्होंने कितनी तैयारी की है। चेक करो भाई वेलकम इसको बोलते हैं यार भाई। सही बोल रहा है, इसको वेलकम बोलते हैं और कमाल का वेलकम बोलते हैं। मोदी जी बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं यार। वंदे मातरम। नाइस यार, कमाल। अलग अलग वेलकम मोदी जी को मिलते हैं हर देश में। हर देश में एक अलग वेलकम मिलते हैं मोदी जी। ये देखो भाई, ये तो उनके वो है चांसलर या प्रेसिडेंट। उधर चांसलर होता है मेरे ख्याल में। चांसलर है, चांसलर। हाँ, ऑस्ट्रिया में चांसलर होता है जिस तरह जर्मनी में चांसलर। हाँ, ये चांसलर है। प्रोटोकॉल चेक करो, वो तारीख है। हाँ, लोग इंडियंस किधर पहुंचे हुए हैं यार, कहाँ पहुंचे हुए हैं भाई। वाकई यार, और वेलकम के लिए देंगे। हाँ ना, इंडियंस हर जगह होते हैं। ऑस्ट्रिया जाओ, जहाँ मर्जी जाओ। हाँ, ये देख। अच्छा, उनके चांसलर भी साथ घूम रहे हैं। हाँ भाई, उनके चांसलर भी हैप्पी लग रहे हैं यार। बड़ी कपे लगा रहा है यार चांसलर। कपे मार रहे हैं दोनों यार। तो सही उनकी बिल्डिंग पे खड़े हैं भाई। ये गाइस नीचे हिंदी में लिखा हुआ है। ये अच्छे इस तरह वेलकम उसने किया चांसलर ने। बहुत बड़ा चर्च मुझे लग रहा है, कोई हिस्टोरिक चर्च। हाँ भाई, वाह यार, पीछे गाड़ियों कितनी खड़ी है भाई। मोदी जी सही बड़े काफिले में लगता है। सही बात, लोग पहले ही उनको देख कर। हाँ भाई, मोदी जी कहीं पे भी जाए इंडियंस उधर लाजमी आते हैं भाई। हाँ मिलने, चल
चांसलर भी खुश हो रहा है कि यार इतने तो मेरे साथ सेल्फी किसी ने नहीं बनाई। चांसलर भी कह रहा है इतनी सेल्फी किसी ने मेरे साथ ही नहीं बनाई। यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट बातें चल रही है भाई। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार मैं कहता हूँ मजा आया। चांसलर भी कहता हूँ इतनी सेल्फी तो किसी ने मेरे साथ नहीं ली। सही बात है अगर देखा जाए तो यार लेकिन मजा आया यार। वेलकम बहुत ही प्यारा था। सबसे पहले वंदे मातरम देखो कितने दिनों की इन्होंने तैयारी की होगी और फिर साथ में मोदी जी के मतलब वेलकम में गाया और कितना प्यारा उन्होंने गाया ये बात है। और उसके बाद भाई चांसलर ने रिसीव किया प्रोटोकॉल और प्रोटोकॉल सही गाड़ियों में आया मोदी जी। पीछे आपने गाड़ियां देखी होंगी भाई। फिर मोदी जी उनके साथ गले मिले और पहले दूर से अपनी पब्लिक पहचान ली। दूर से इशारा करते हैं वो इशारा कर रहे थे मोदी जी दूर से करते हैं। फिर आए सेल्फी लिए फिर चांसलर के साथ। यार मोदी जी कहीं भी हो ना भाई तो वो लाजमी अपनी उनकी पब्लिक लाजमी आती है भाई। और मोदी जी जिस देश में जाते हैं उधर तुम्हें पता है कि मेला देश, देश के हित के लिए। और यार जहाँ पे भी मोदी जी जाए ना भाई उनको एक निराला अलग वेलकम मिलता है जो हमने पहले कभी देखा नहीं। मैं रात को एक वीडियो देख रहा था। इंडियन एक बोलता है कहता है हम दुनिया के किसी कंट्री में गए हैं चाहे मुस्लिम कंट्री में भी हम गए हैं ना तो उधर हम इंडियंस को इतना सम्मान मिला है। पहले ये चीज इंडियंस का बहुत ज्यादा सम्मान हो गया पूरी दुनिया में। ये नो डाउट है इज्जत की निगाह से देखा जाए ओवरसीज इंडियंस जितने भी हैं इंडिया में तो पसंद करते ही करते हैं मोदी जी को। मैं कहता हूँ 99% जो ओवरसीज इंडियंस होंगे ना जो मतलब बाहर के देशों में रहते हैं मोदी जी को पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई आप आपके सामने है सब कुछ। ये तो है ये मानना पड़ेगा। फिर वो चांसलर ने कोई अपना हिस्टोरिक कोई चार्ज दिखाया उनको हाँ भाई मोदी जी को और अपना उनका विजिट रहा है। फिर वो कोई ऊंची बिल्डिंग पे चढ़े और उधर कोई गप्पे लगा। सही बोला और गप्पे क्या तुम ये देखो कि उसके बाद इतना ज्यादा वेट किया गया उनका फिर एयरपोर्ट पे कैसे वेलकम हुआ होगा। फिर एयरपोर्ट वाला हमने नहीं देखा शायद वो आया भी नहीं है कहीं यहाँ तो शायद वो भी अभी रिलीज हो। बिल्कुल लेकिन यार ऑस्ट्रिया पहली बार मोदी जी जा रहे हैं ना ऑस्ट्रिया मेरे ख्याल से कोई पहले किसी समिट पर गए होंगे शायद पहले जो है ना पीएमए को 30-40 साल बाद ऑस्ट्रिया गए हैं। सही पहले जयशंकर साहब गए थे सचिन पीएम की बात हो रही है गए जी कंफर्म कर देना यार मतलब 30-40 साल बाद गए तो बहुत फिर हिस्टोरिक दौरा होने बहुत हिस्टोरिक दौरा है वाकई में। तो ये लाजमी आप लोग गाइस कंफर्म कीजिएगा और आपको कैसा लगा वेलकम वंदे मातरम जिस तरह उन्होंने गाया वो कैसा लगा बताना कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय अपना बहुत बहुत गाइस ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।